क्या आपको पता कि आखिर टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? आप सोच रहे होंगे कि गैलीलियो ने, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल टेलीस्कोप का इन्वेंशन हॉलैंड के एक सर हैंस लिपर्से ने किया था, जो आई ग्लासेस बनाने का काम करते थे। साल 1608 में लिपर्से ने अपनी टेलीस्कोप की इन्वेंशन को पेटेंट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, लेकिन हॉलैंड सरकार ने सोचा कि टेलीस्कोप जैसी इन्वेंशन को कॉपी करना बेहद आसान है, क्योंकि लिपर्से द्वारा दी गई एप्लीकेशन के कुछ ही दिनों बाद हॉलैंड के एक और इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले शख्स ने उसी डिवाइस को पेटेंट कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसी भी पेटेंट को ग्रांटेड नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि लिपर्से की एप्लीकेशन पहले थी, इसीलिए उन्हीं को इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। और ठीक एक साल बाद 1609 में गैलीलियो को इस टेलीस्कोप की इन्वेंशन का पता चला, और उन्होंने पहले वाले टेलीस्कोप के कंपेयर में एक बेटर और एडवांस वर्जन बनाया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आसमानी चीजों को देखने के लिए किया था।